देश में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने से जहां उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिल रहा है, वहीं ड्राइवर एंड ट्रांसपोर्टर्स भी जीएसटी के लागू होने से खुश हैं। पहले चेक पोस्ट पे बहुत टाइम बिगड़ता था, आज वही टाइम एक घंटा पहले गाड़ी पहुंच जाती है। बहुत राहत हुई है, जो कठिनाई पहले थी उसे लाख दर्जे अभी सही है। पहले जहां इंटरस्टेट टैक्स के चलते वाहनों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब उन्हें इससे निजात मिल गई है। जीएसटी आने के बाद पेपर वर्क में कमी आई है। दूसरे जो हमारी गाड़ियों का समय बिगड़ता था चेक पोस्टों पे, उसमें कमी आई है। जो हमारी गाड़ियां जाती थी लंबी दूरी पे, उसमें तीन तीन चार चार चेक पोस्ट आते थे, सभी चेक पोस्टों पर पाँच पाँच छः छः घंटे बिगड़ते थे। अभी उस चीज़ में बिल्कुल कोई समस्या नहीं रही है और सारे काम आसानी से हो रहे हैं। लॉजिस्टिक्स का काम करने वालों का फायदा हुआ है, उनकी नजर में पेपर वर्क में कमी आई है, समय की बचत हो रही है। यही नहीं, ट्रांसपोर्टर से जुड़े व्यापारी मानते हैं सब कुछ एक नंबर में हो रहा है। जीएसटी आने से जो दो नंबर के थे कच्ची पर्ची वाले, वो सब बंद हो गए, सब पक्के बिल में आने लगे, जिससे गवर्नमेंट को जो टैक्स आ रहा है वो बेनिफिट हो रहा है गवर्नमेंट को। पहले जो माल लेके जाते थे वो चेक पोस्ट पे पुलिस वाले रोकते थे, वहाँ उनसे पैसा लिया जाता था, ड्राइवर को धमकाया जाता था, बोले तुम्हारी गाड़ी खुलवा लेंगे, तुम्हारी गाड़ी खड़ी रखेंगे, तीन घंटा लगेगा, चार घंटा लगेगा। अब जीएसटी आने के बाद वहाँ कोई पुलिस वाले रहे नहीं है, गाड़ी जाती है सीधी, वो पास हो जाती है। मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने जीएसटी लाया और इंटरस्टेट जो चेक पोस्ट वो खत्म कर दी। वन नेशन वन टैक्स की प्रणाली देश के हर तबके को फायदा पहुंचा रही है। यकीनन आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत होगी।